दोस्तों नमस्कार। राजस्थान मौसम की ताज़ा खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल से आपको राजस्थान मौसम की एकदम सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। आगामी दिनों के लिए भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकांश जिलों में तीव्र आंधी तूफान और ओलावृष्टि को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दोस्तों अब आपको आगामी 24 से 48 घंटों तक राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह का तापमान और दोस्तों कौन कौन से जिलों में आपको तीव्र उमस भरी गर्मी का दौर देखने को मिलेगा, साइक्लोनिक सिस्टम दोस्तों किस तरह से इस टाइम अरब सागर में बने हुए हैं, चर्चा करेंगे बिल्कुल विस्तार से। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मौसम संबंधित प्रत्येक जानकारी का नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं बीते 24 घंटे में आपको राजस्थान में कहां कहां पर किस तरह की मौसम की एक्टिविटियां नजर आई थी। दोस्तों जैसा आपको पुरानी वीडियोज में पहले ही अवगत कराया गया था, सेम कंडीशन आपको दोस्तों बीते 24 घंटे में राजस्थान के अधिकांश जिलों में देखने को मिली थी। 5 जिलों में दोस्तों आपको तीव्र धूलभरी आंधियों का दौर देखने को मिला था। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना हुआ होने के कारण दोस्तों यहां पर आगामी दिनों में भी आपको तीव्र धूलभरी आंधियों का दौर देखने को मिलेगा। चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बाड़मेर, जालौर में दोस्तों कुछ स्थानों पर आपको ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां नजर आई। बाड़मेर में 2 से 6 mm बारिश आपको देखने को मिली थी। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर में भी कुछ स्थानों पर आपको हल्की फुल्की बारिश की बौछारें नजर आएगी। वहीं दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में तीव्र धूलभरी आंधियों का दौर देखने को मिला। इक्का दुक्का स्थानों पर दोस्तों आपको हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देखने को मिली थी। जबकि दोस्तों राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम पूरी तरह से पलटा हुआ आपको दोपहर बाद से देखने को मिला और यहाँ पर भी दोस्तों हल्की फुल्की बारिश की बौछारें कुछ स्थानों पर आपको नजर आई थी। दोपहर बाद से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग का मौसम भी आपको पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया था। इन संभागों में भी दोस्तों आपको कई स्थानों पर तीव्र धूलभरी आंधियों का दौर देखने को मिला था। भारत में बने मौसमी सिस्टमों की अगर बात करें तो दोस्तों अरब सागर में फिलहाल एक साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है जिसका असर आगामी दिनों में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, केरला, कर्नाटका के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। राजस्थान में भी दोस्तों इसका आंशिक रूप से इफेक्ट कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकता है। आगामी 24 से 48 घंटों की अगर बात करें तो दोस्तों आपको राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही, जालौर और दोस्तों नागौर के आसपास के क्षेत्रों में आगामी 24 से 48 घंटों तक तीव्र धूलभरी आंधियों के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां और नजर आएंगी। साथ ही दोस्तों यहां पर बारिश की बौछारें कुछ स्थानों पर आपको देखने को मिलेंगी। बीकानेर संभाग के बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और दोस्तों चूरू जिलों में भी आपको आगामी 24 से 48 घंटों में तीव्र धूलभरी आंधियों का दौर नजर आएगा। वहीं दोस्तों यहां पर भी हल्की फुल्की बारिश की बौछारें इक्का दुक्का स्थानों पर आपको देखने को मिलेंगी। हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी दोस्तों कुछ स्थानों पर आपको नजर आएगी। दोस्तों अगर हम पूर्वी राजस्थान के जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको तीव्र उमस का दौर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर में हल्की फुल्का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहां पर भी देर रात तक कुछ स्थानों पर आपको हल्की फुल्की आंधियों का दौर देखने को मिलेगा। जबकि दोस्तों अजमेर संभाग की बात करें तो यहां पर कुछ स्थानों पर तीव्र धूलभरी आंधियां आपको देखने को मिलेंगी। अजमेर संभाग के नागौर और दोस्तों टोंक के आसपास के क्षेत्रों सहित भीलवाड़ा में भी दोस्तों आपको कुछ स्थानों पर तीव्र धूलभरी आंधियों के दौर के साथ हल्की फुल्की बारिश की बौछारें देर शाम तक देखने को मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग के उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर दोस्तों मौसम पूरी तरह से आपको बदला हुआ नजर आएगा। बारिश की दोस्तों फिलहाल की स्थिति के अनुसार यहां पर कम ही उम्मीदें बनी हुई हैं। और कोटा संभाग की बात करें तो दोस्तों कोटा संभाग में आगामी 24 से 48 घंटों तक आपको कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। यहां पर भी दोस्तों आपको आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर तीव्र धूलभरी आंधियों का दौर भी आपको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम आपको ले चलते हैं IMD की ऑफिशियल साइट पर जहाँ से संपूर्ण न्यूज बिल्कुल प्रूफ के साथ प्रोवाइड करेंगे कि दोस्तों कहाँ कहाँ पर किस तरह के अलर्ट IMD ने जारी कर दिए हैं और कौन कौन से
स्थानों पर दोस्तों बारिश के आगामी दिनों में आसार नजर आ रहे हैं। IMD की ऑफिशियल साइट पर हो, यहां पर बात करेंगे 7, 8 और 9 जून के मौसम के बारे में। 7 जून को दोस्तों यहां पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो दोस्तों यहां पर संपूर्ण राजस्थान को येलो अलर्ट में रखा गया है। दोस्तों यहां पर आपको देखिए तीव्र धूल भरी आंधियों के सिंबल भी जारी कर दिए हैं, साथ ही गहरे काले बादलों के सिंबल भी यहां पर जारी हैं। दोस्तों आपको 7 जून को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में तीव्र धूल भरी आंधियों का दौर नजर आएगा। कुछ स्थानों पर दोस्तों हल्की फुल्की बारिश की बौछारों के साथ हल्की फुल्की ओलावृष्टि भी आपको देखने को मिलेगी। जोधपुर संभाग के भी दोस्तों जैसलमेर, जोधपुर और जालौर, पाली, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में आपको दोस्तों यहां पर भी गहरे काले बादल कुछ स्थानों पर नजर आएंगे। तीव्र धूल भरी आंधियों का दौर लगातार देखने को मिलेगा। ओलावृष्टि जैसी भी गतिविधियां कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती हैं। जयपुर और भरतपुर संभाग में भी दोस्तों यहां पर तीव्र धूल भरी आंधियों का दौर कुछ स्थानों पर देर रात तक आपको नजर आएगा। दिन में दोस्तों यहां पर भारी उमस कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। कोटा संभाग में दोस्तों यहां पर भी धूल भरी आंधियों का दौर देर रात तक आपको देखने को मिल सकता है। उदयपुर संभाग के दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और दोस्तों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के इस क्षेत्र में कुछ स्थानों पर दोस्तों आपको तीव्र धूल भरी आंधियों का दौर नजर आएगा। हल्की फुल्की बारिश की बौछारें इक्का दुक्का स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 8 जून के मौसम के बारे में। 8 जून को यहाँ पर अगर राजस्थान की स्थिति को देखें तो यहाँ पर भी संपूर्ण राजस्थान को येलो अलर्ट में रखा गया है और यहाँ पर भी दोस्तों बादलों के सिंबल IMD ने जारी कर दिए हैं। पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकांश क्षेत्रों में तीव्र धूल भरी आंधियां आपको देखने को मिलेंगी। पूर्वी राजस्थान की तुलना में पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भयानक तीव्र धूल भरी आंधियां देखने को मिलेंगी। बारिश की बौछारें कुछ स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती हैं और साथ ही दोस्तों वज्रपात के साथ ओलावृष्टि जैसी भी गतिविधियां आपको दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के संपूर्ण जिलों में देखने को मिलेंगी। जबकि दोस्तों पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में आपको दोस्तों टेम्परेचर में थोड़ा इंक्रीमेंट नजर आएगा। उमस जैसी गतिविधियां आपको लगातार बढ़ी हुई नजर आएंगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पर 9 जून के मौसम के बारे में। 9 जून को यहां पर राजस्थान की अगर स्थिति को देखें तो दोस्तों यहां पर फिलहाल भी संपूर्ण राजस्थान में येलो अलर्ट दर्शाया गया है। बादलों के सिंबल भी दोस्तों यहां पर जारी कर दिए हैं। इससे स्पष्ट है कि दोस्तों आपको पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी राजस्थान के भी अधिकांश जिलों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों ज्यादातर जिलों में आपको तीव्र धूल भरी आंधियां और दोस्तों मेघ गर्जना के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश जैसी गतिविधियां आपको नजर आएंगी। पश्चिमी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग में तीव्र उमस आपको देखने को मिलेगी। कोटा संभाग में भी दोस्तों सेम कंडीशन देखने को मिल सकती है। उदयपुर संभाग में दोस्तों बादलों की आंशिक रूप से आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं ये एक साइक्लोनिक सिस्टम जो कि अरब सागर में इस टाइम बना हुआ है, धीरे धीरे दोस्तों यह कुछ इस तरह से अपना ट्रैक आगामी दिनों में चेंज करने वाला है। इसकी वजह से दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो कर्नाटक का ये तटवर्ती इलाका और दोस्तों गोवा, महाराष्ट्र, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों सहित गुजरात में भी इसका अच्छा खासा इफेक्ट देखने को मिलेगा। राजस्थान में दोस्तों आपको सिर्फ जोधपुर संभाग और उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर इसका आंशिक रूप से इफेक्ट देखने को मिल सकता है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कुछ स्थानों पर इसकी वजह से आपको सिर्फ इन 3 संभागों में ही बारिश देखने को मिलेगी। दोस्तों आगे जैसे ही इस नए जो चक्रवाती ये जो सिस्टम है इसके ट्रैक में चेंजिंग आएगी तो सबसे पहले आपको सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से ज़रूर अवगत करा दिया जाएगा।